खरगोन शहर के एक निजी होटल में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र वचन पत्र को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर जीएमसी डावर, कांग्रेस प्रत्याशी रवि जोशी, शांतिलाल पाटीदार, दिनेश यादव सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। प्रेस वार्ता में विधानसभा चुनाव के मतदान से पूर्व कांग्रेस ने 75 बिंदुओं को लेकर वचन पत्र तैयार किया, जिसमें केवल और केवल किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवाओं को उद्योग से जोड़ने के साथ ही डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने की बातें की है। कांग्रेस प्रत्याशी रवि जोशी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 12 नवम्बर को ज्योतिरादित्य सिंधिया खरगोन की 3 विधानसभा क्षेत्र में आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें पहली सभा भगवानपुरा, दूसरी विधानसभा बीकनगांव और तीसरी गोगांव में होगी। वचन पत्र पर जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 75 बिंदुओं पर वचन पत्र जारी किया है, जिसमें किसान, गरीब, मजदूर, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, सारे लोगों का ध्यान रखा गया है। जो बची हुई 3 विधानसभा क्षेत्र वहाँ भी आएंगे और इसी तरीके के खरगोन जिले की सारी विधानसभा क्षेत्रों में इन नेताओं का भ्रमण होगा और सभाएं होगी। कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है सिंधिया जी को के कार्यक्रम को लेके। नौजवान हो, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, सब हजारों की तादाद में गोगावा पहुंचे। कांग्रेस पार्टी ने आज माननीय कमलनाथ जी, माननीय सिंधिया जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, इन सब ने 75 बिंदुओं पर वचन पत्र आज जारी